नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर से लगे बरई स्थित जिनेश्वर धाम तीर्थ पर 500 वर्षों के इतिहास में जैन संत का प्रथम चातुर्मास होने जा रहा है, जिसमें जैनाचार्य श्री जतेंद्र सागर महाराज इस पावन धरा पर चातुर्मास कर रहे हैं। जिनके चातुर्मास की कलश स्थापना समारोह का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें आचार्य श्री के चातुर्मास के कलश की स्थापना विधि विधान से की गई। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ पंडित अजित कुमार शास्त्री एवं पंडित अशोक कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन में पुरुषोत्तम जैन के द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण अमित जैन, एकता जैन ने किया। भगवान के चित्र के समीप मनोज पांड्या ने दीप प्रज्वलित किया। आचार्य श्री यतीन सागर महाराज का पाद प्रचलन कमल बड़यात्या अंजू बड़यात्या ने किया। आचार्य श्री को शास्त्र पेश करने का सौभाग्य महेंद्र जैन मुरार को मिला। कार्यक्रम के प्रारंभ में दीक्षा के जैन के द्वारा मंगल जैन नृत्य को स्थिति दी गई। कार्यक्रम का संचालन मुकेश जैन के द्वारा किया गया। जमाजम बारिश के चलते भजन गायिका अनुपमा जैन के भजनों पर वहां मौजूद लोगों ने भगवान की भक्ति में नृत्य किया। वहीं चातुर्मास कलश के महत्व को पंडित अजित कुमार शास्त्री द्वारा बताया गया। चातुर्मास के प्रथम कलश को भोपाल के प्रदीप जैन मामा एवं प्रतिभा जैन, द्वितीय कलश को नरोत्तम जैन, तृतीय कलश को लालमणि जैन, संजय मणि जैन, आदित्य मणि जैन द्वारा स्थापित किया गया। वहीं अन्य कलशों की स्थापना गौरव जैन, महेंद्र जैन एडवोकेट, अमित जैन, किशन लाल जैन, अमित जैन लखनऊ, अशोक जैन, मयंक जैन, पुरुषोत्तम जैन ने की। खबर हरपल के लिए ललित जैन की यह खास खबर। अब आस रात राए कोई सगा नहीं है, गुरुवर तुम्हारे प्यार में